आज डिस्कस करेंगे कोकरन बॉयलर के बारे में। कोकरन बॉयलर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। कोकरन बॉयलर जो है वो एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर्ड और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। वर्टिकल मींस जो इसकी शेल होती है वो खड़ी हुई होती है। मल्टी ट्यूबुलर मींस इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। इंटरनली फायर्ड मीन्स जो फर्नेस होगी हमारी बॉयलर शेल के अंदर ही होगी। नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स जो वाटर का सर्कुलेशन होगा वो नेचुरली होगा, हम किसी पंप का यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोकरन बॉयलर के अंदर होती हैं। ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का क्या मतलब है कि जो हमारी फ्ल्यू गैसेज हैं जो फ्यूल के बर्न होने से जनरेट होंगी हॉट गैसेस, वो ट्यूब्स में से जाएंगी और उनके सराउंडिंग वाटर होगा जो गर्म होगा और स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो फायर ट्यूब मतलब कि जो हॉट गैसेस हैं वो ट्यूब्स के अंदर से जाएंगी और उनके सराउंडिंग में वाटर होगा। तो कोकरन बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले बॉयलर शेल जो कि स्टील की बनी होती है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल क्राउन होता है। दूसरा फर्नेस, फायरबॉक्स एंड ग्रेट। फर्नेस जिसके अंदर हमारा जो फ्यूल है बर्न होता है। फायरबॉक्स जो फर्नेस के अंदर होता है उसको हम फायरबॉक्स बोलते हैं, जहां पे कंबर्शन होता है। ग्रेट होता है वो भी फर्नेस के अंदर ही होता है। ग्रेट के ऊपर हम फ्यूल रख के बर्न करते हैं तो इसको हम ग्रेट बोलते हैं। कंबर्शन चैम्बर और फ्ल्यू पाइप्स होती हैं। फ्ल्यू पाइप्स का यूज किस लिए होता है, हॉट गैसेस फ्ल्यू पाइप से ट्रेवल करती हैं। स्मोक बॉक्स होता है और चिमनी होती है। स्मोक बॉक्स चिमनी से पहले लगा होता है ताकि जो भी स्लैग है अगर फ्ल्यू गैसेस के साथ आ गया है तो स्मोक बॉक्स में इकट्ठा हो जाता है, उसको बाद में हम खोल के साफ कर लेते हैं। और चिमनी का यूज उन गैसेस को जो हॉट गैसेस है एटमोसफियर में रिलीज करने के काम में लाया जाता है। तो चिमनी हमारी जो गैसेस हैं उनको ट्रांसफर करती है एटमॉस्फेयर में, उनको रिजेक्ट करती है बाहर एटमॉस्फेयर में। और बॉयलर माउंटिंग्स और एक्सेसरी जो हमारी जरूरी होती हैं किसी भी बॉयलर की वर्किंग के लिए और उसकी एफिशिएंसी के लिए, ये अटैच होती हैं कोकरन बॉयलर के साथ। अब डिस्कस करते हैं उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर है हेमिस्फेरिकल हेड जो हमारा शेल से अटैच है। इस स्टील शेल के अंदर हमारा वाटर है। नीचे हमारी ऐश पिट है जिसके अंदर जो हमारा कोयला या कोई भी फ्यूल बर्न होगा उसकी जो ऐश होगी यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी। यहाँ पे होता है ग्रेट। ग्रेट के अंदर हमने स्पेसिंग दी होती है, ये एक तरह की बार्स होती हैं, कास्ट आयरन की लंबी लंबी बार होती हैं जिनके बीच में स्पेसिंग होती है। ये स्पेसिंग एयर को प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। इस ग्रेट के ऊपर हम फ्यूल को रखते हैं और बर्न करते हैं। इस ग्रेट के ऊपर हमारा फायर बॉक्स होता है जिसके अंदर पूरा कंबर्शन हमारा चलता है, जो हमारा फ्यूल है इसके अंदर बर्न होता है। और यहाँ पे लगी होती हैं फ्ल्यू पाइप्स, इससे अटैच होती हैं जो हमारा फायर बॉक्स है या फिर कंबर्शन चैम्बर है, इससे अटैच होती हैं हमारी पाइप्स। जब यहाँ फ्यूल बर्न होगा तो इन पाइप्स की हेल्प से वो इन फ्ल्यू पाइप के अंदर जो हमारी हॉट गैसेस हैं वो ट्रैवल करेंगी। उसके बाद लगा होता है स्मोक बॉक्स। स्मोक बॉक्स अगर ये गैसेस अपने साथ कुछ भी मटेरियल लाती हैं जैसे कुछ स्लैग लेके आती हैं, जब हमारा कोयला बर्न होगा तो उसके साथ गैसेस के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल भी चले जाते हैं जो अनबर्न्ड होते हैं, तो वो स्मोक बॉक्स में यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बाद में हम साफ कर लेते हैं। स्मोक बॉक्स हमारा कनेक्ट होता है चिमनी के साथ। चिमनी हमारी जो ये गैसेस हैं इनको बाहर रिलीज कर देती है एटमोसफियर में। यहाँ पे लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। ये जो हेमिस्फेरिकल हेड है ये एम्प्टी होता है, ये जो हमें ब्लूइश दिख रहा है ये वाटर है। तो जो हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर है
ये हमारा इस हेमिस्फेरिकल हेड से आधा कनेक्ट है और आधा इस वाटर से। तो ये हमारा दिखाता है कि वाटर का जो लेवल है बॉयलर के अंदर कितना है। एक तरफ से ये वाटर से कनेक्ट होता है और एक तरफ से ये स्टीम से कनेक्ट होता है। यहाँ पे होता है फीड पाइप। इस फीड पाइप के थ्रू हम इस बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको इंसर्ट करते हैं। फीड पाइप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉयलर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो हमें फीड पाइप की जरूरत पड़ती है कि हाई प्रेशर के ऊपर हम इस फीड पाइप के थ्रू बॉयलर के अंदर वाटर को भेज सके। तो इसलिए हम फीड पाइप का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। पंप इस फीड पाइप से जुड़ा होता है जो वाटर को रेगुलरली सप्लाई करता है। यहाँ पे लगा होता है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज इसके अंदर जो स्टीम की क्वांटिटी है उसका जो प्रेशर है उसके बारे में बताता है कि कितना हमारा जो प्रेशर है अंदर जनरेट हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्टीम। तो यहाँ पे प्रेशर गेज लगा होता है। यहाँ पे लगा होता है एंटी प्राइमिंग पाइप। ये है एंटी प्राइमिंग पाइप। ये एंटी प्राइमिंग पाइप क्या करता है कि अगर जो स्टीम हमारी जनरेट हुई है अगर उसके अंदर कुछ मॉइस्चर पार्टिकल हैं तो उनको वो यहाँ पे रोक लेता है और बाहर ड्राई स्टीम को भेज देता है। तो एंटी प्राइमिंग पाइप यहाँ लगा होता है और ऊपर से यहाँ पे हम स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू स्टीम को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी टैप लगी होती है। ये टैप का फंक्शन क्या होता है कि जैसे वर्किंग खत्म होने के बाद मेंटेनेंस चलती है तो इस टैप की हेल्प से हम बॉयलर को एम्प्टी कर लेते हैं, तो वाटर को हम सारा बाहर निकाल लेते हैं। तो इस टैप का फंक्शन होता है। इस ग्रेट के ऊपर हम कोयला रखते हैं। इसके अंदर आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, गैस भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्यूल आप यूज कर सकते हैं। अगर ग्रेट का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोयला इस ग्रेट के ऊपर रखेंगे और उसको बर्न करेंगे, तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बर्न होने से क्या होगा, इस सारे फायर बॉक्स के अंदर हॉट गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस फायर बॉक्स के अंदर हॉट गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी। जब ये हॉट गैसेस, इनको ये ओपनिंग मिलेगी इन पाइप्स की, तो इनसे ये ट्रेवल करेंगी, तो हॉट गैसेस हमारी इन पाइप्स के अंदर चली जाएंगी। तो इन पाइप से ट्रेवल करेंगी, जब ये इन पाइप से ट्रेवल करेंगी तो ये इन पाइप्स को, जो हमारी फ्ल्यू पाइप्स हैं या फायर ट्यूब्स हैं, इनको गर्म कर देंगी। तो ये पूरी तरह से गर्म होने के बाद जो इनके सराउंडिंग में ये नीला नीला हमें दिखाई दे रहा है, ये वाटर है, तो इस वाटर को ये अपनी हीट सप्लाई कर देंगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गैसेस हैं वो स्मोक बॉक्स से होती हुई बाहर चिमनी के थ्रू चली जाएंगी और यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो गर्म होना स्टार्ट कर देगा और स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो हेमिस्फेरिकल हेड है हमारे कोकरन बॉयलर का, वो स्टीम के पार्टिकल से भर जाएगा और स्टीम ऊपर की तरफ जाएगी। अब जो ये स्टीम है वो एंटी प्राइमिंग पाइप के कॉन्टेक्ट में आएगी। अगर ये कुछ वेट स्टीम है तो ये एंटी प्राइमिंग पाइप उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेगा और ड्राई जो हमारी स्टीम है उसको बाहर भेज देगा, और इस वाल्व के थ्रू हम अपनी जो ड्राई स्टीम है उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कोकरन बॉयलर काम करता है। जो ये कोकरन बॉयलर है ये हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको यूज में लाते हैं। जो हमारे स्मॉल पर्पज हैं इंडस्ट्री में, उनको यूज करने के लिए हम इस कोकरन बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल पर्पजेज के लिए हम कोकरन बॉयलर का यूज करते हैं। इसकी सिंपल वर्किंग है और ये स्पेस भी कम लेता है, वर्टिकल है और फायर ट्यूब है, तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। तो ये थी वर्किंग ऑफ कोकरन बॉयलर, जो एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर्ड और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।